नमस्कार श्रोताओं, आज हम द डिवाइन टेल्स परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से हमारे साथ देश विदेश के 2.5 लाख से ज्यादा श्रोता जुड़ चुके हैं। इस उपलक्ष्य पर हम एक नई श्रृंखला पेश करने जा रहे हैं। ये श्रृंखला समर्पित होगी हिंदू पुराणों और ग्रंथों में वर्णित सुंदरता, तेज और बुद्धिमता की प्रतीक उन नारियों पर, जिन्होंने हिंदू नारी समाज के लिए बहादुरी और समर्पण की प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया। सभ्यताओं के विकास में हमेशा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है और इतिहास में महिलाओं और लड़कियों को असंख्य चुनौतियों और अन्यायों का सामना करना पड़ा है, जो आज के समय में भी उतना ही पर्याय है। फिर भी कुछ ऐसी वीरांगनाएं इस भारतवर्ष की धरती पर जन्मी हैं, जिन्होंने विपत्तियों पर विजय प्राप्त की, बाधाओं को तोड़ा और ऐसा करके इन प्रेरणात्मक महिलाओं ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। ये महिलाएं न केवल बुद्धिमान थी बल्कि चुंबकीय शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में असाधारण और आकर्षक भी थी। इन सभी स्त्रियों ने हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी प्रबल उपस्थिति भी दर्ज कराई। स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाएं अगर आप इस श्रृंखला के आने वाले भाग भी देखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे त्रेता युग में मिथिला की राजकुमारी और श्री राम की पत्नी सीता की। हिंदू पौराणिक कथाओं में अगर कोई आदर्श स्त्री बताई गई है तो निसंदेह वो देवी माँ सीता है। त्रेता युग में देवी माँ लक्ष्मी का अवतार थी माँ सीता। सीता ना तो भगवान द्वारा बनाई गई थी और ना ही किसी दैवीय पाठ्यक्रम से पैदा हुई थी। उनका अवतार हुआ था भगवान विष्णु के राम अवतार में, उनकी अर्धांगिनी बनके उनका साथ देने के लिए। भगवान राम की राक्षसों का विनाश करने की प्रतिज्ञा को माँ सीता ने जीवन भर उज्जवल रखा और खुद बंदी बनकर राक्षसों के कुल के संहार की लीला भी रची। धरती के गर्भ से मिथिला के राजा जनक को एक कन्या प्राप्त हुई और अपनी बेटी के रूप में पाल पोसकर उन्होंने उसे बड़ा किया। रामायण में कहा जाता है कि उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसका कोई दूसरा सानी नहीं था। सीता की एक छोटी बहन उर्मिला भी थी। सीता अपने समर्पण, आत्मबलिदान, साहस और पवित्रता के लिए जानी जाती है। अपने नरम शब्दों और सकारात्मक आचरण के कारण सीता सभी की चहेती थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजा जनक चाहते थे कि राजकुमारी सीता का विवाह भारतवर्ष के किसी महाप्रतापी राजकुमार के साथ हो और इसके लिए सभी बड़े राज्यों के राजकुमारों को सीता के स्वयंवर का न्योता भी भेजा गया। राजा जनक द्वारा की गई इस घोषणा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मौजूद है। राजा जनक द्वारा ये घोषणा की गई कि सीता के स्वयंवर में मौजूद जो भी पुरुष शिव के धनुष को उठाकर उस पर डोरा चढ़ाने में सफल रहेगा वही उनकी पुत्री से विवाह करने लायक होगा। शर्त पूरी होने के बाद ही अयोध्या के युवराज रामचंद्र से उनका भव्य समारोह में विवाह हुआ। सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण से हुआ। रानी बनने की जगह सीता को कुछ मिला तो 14 वर्ष का वनवास। अपने पिता के दिए गए वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित स्वेच्छा से 14 साल के वनवास पर चले गए। माता सीता की दैवीय सुंदरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि राक्षस राजा रावण ऐसा महाप्रतापी राजा था जिसने तीनों संसारों को जीत लिया, जिसने सभी अप्सराओं और स्वर्गीय आनंद को प्राप्त किया, जिसकी सेविकाओं के रूप में तीनों दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं थी। सुरूपनखा द्वारा दिया गया विवरण सुन बेवकूफ वन रावण सीता की तलाश में दंडक के जंगलों में सीता की कुटिया तक जा पहुंचा। जब उसने भी पहली बार माता सीता को देखा तो कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। जब रावण पहली बार उन्हें देखता है तो वह उनके बालों की तुलना वज्र के साथ करता है। रावण खुद से पूछता है कि क्या वह पृथ्वी पर दूसरे चांद को देख रहा है। वह इतना सुन्न महसूस करता है कि उसे भ्रम हो जाता है कि ये वास्तविकता है कि किसी तरह का छलावा। आखिरकार वह खुद को यकीन दिलाता है कि वह केवल वही स्त्री हो सकती है जिसके बारे में उसकी बहन सुरूपनखा ने उसे बताया था। सीता के अलौकिक सौंदर्य से मोहित होकर ही रावण ने उसे बंदी बनाकर लंका ले जाने की योजना बनाई। रावण माता सीता को अपनी पटरानी बनाना चाहता था। बंधक बनकर भी भगवान राम के नाम पर जीने वाली सीता का दिल रावण कभी नहीं जीत सका। यदि रामायण में मंडोदरी की सुंदरता के विवरण का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता तो इसके पीछे महाकाव्य में सीता की उपस्थिति है, परंतु ये केवल सीता की शारीरिक सुंदरता का वर्णन है। माता सीता की आंतरिक सुंदरता उसके शारीरिक स्वरूप से कई गुना अधिक सुंदर थी। ये वही माता सीता थी जिनको राजधर्म के नाम पर लंका से वापस अयोध्या आने पर अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी थी। उनकी सहिष्णुता, नैतिकता, मातृभावना, प्रकृति और हर प्राणी के लिए प्यार, इन सभी पहलुओं की तुलना किसी और स्त्री से नहीं की जा सकती, ना उनके जन्म से पहले ना जन्म के बाद। माँ सीता ने उन सभी लोगों को माफ भी किया जिन्होंने उनकी शुद्धता और चरित्र पर उंगलियां उठाई थी। वास्तव में पृथ्वी छोड़ने से पहले, पृथ्वी की गर्भ में पुनः समाने से पहले माता सीता ने भगवान राम से उन सभी लोगों को क्षमा करने के लिए अनुरोध किया जिन्होंने उनके चरित्र पर सवाल उठाए और दोषी ठहराया।
जब वे श्री राम के साथ 14 साल के वनवास में थी, सभी प्राणियों ने उन्हें वन देवी कहा और उनको अपनी माँ का दर्जा दिया। रावण के वध का कारण माता सीता ही थी। कुछ समय माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भी बिताए। यहाँ उन्होंने दो तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म भी दिया। अपने व्यक्तित्व और पूर्णता के कारण सीता को स्त्रीत्व की पूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है। जो भी महिलाएं हम इस श्रृंखला में वर्णित करेंगे, माता सीता का स्थान सर्वत्र शीर्ष पर रहेगा। हिंदू पुराणों की सबसे प्रभावशाली और रमणीय स्त्रियों की इस श्रृंखला के अगले अध्याय में हम बात करेंगे पांचाल देश की स्वाभिमानी राजकुमारी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी की। उम्मीद करते हैं अगला अध्याय देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ साझी भी करें। शुक्रिया।